नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एसटीएम मारवाड़ी। राजस्थान चुनाव को लेकर फिर से बड़ी खबर आ रही है। हनुमान बेनीवाल के लिए कितनी अहम है खींवसर की सीट, जानिए समीकरण और चैंपियन इतिहास। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की खींवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। पार्टी के लिस्ट के अनुसार भोपालगढ़ से मौजूदा विधायक पुखराज गर्ग और मेहरता से विधायक इंदिरा बावरी चुनाव लड़ेगी। खींवसर से इस समय सांसद के भाई नारायण बेनीवाल विधायक थे, लेकिन पार्टी ने खींवसर से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस सूची में उनका नाम भी नहीं है। बेनीवाल कितनी अहम सीट है खींवसर के लिए। साल 2018 से जब बेनीवाल इस विधानसभा सीट से चुनाव जीते उस वक्त तो भाजपा में थे, इसके बाद एनडीए से टिकट 2013 से उन्होंने एक बार फिर से जीत हासिल की। बेनीवाल परिवार का इस सीट पर लंबे समय से कब्जा है। कहा जा रहा है कि 2019 में जब उनके भाई इस सीट से चुनाव लड़े तो यहाँ पार्टी थोड़ी कमजोर जरूर हुई है। ऐसे में ये बेहतर समझते हैं कि यह सीट उनकी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए कितनी अहम जरूरी है। यही वजह है कि उन्होंने खुद इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। क्या कहता है खींवसर सीट का इतिहास, भाजपा से हनुमान बेनीवाल ने इस सीट पर जीत हासिल की। उस वक्त उन्होंने 58,000 यानी 760 वोट हासिल किए। उन्हें 24,443 वोटों से जीत दर्ज की। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के दुर्ग सिंह 34,317 वोटों के स्थान पर दूसरे स्थान पर रहे। अगर हम 2013 के नतीजे की बात करें तो हनुमान बेनीवाल ने इस सीट पर यानी INDA के टिकट पर जीत हासिल की। उस वक्त उन्होंने 65,399 वोट हासिल किए। उन्होंने 23,020 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी के दुर्ग सिंह चौहान 42,379 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजों की बात करें तो यहां पर भी आरएलपी से हनुमान बेनीवाल ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उस वक्त उन्होंने 83,096 वोट हासिल किए। उन्होंने 16,948 वोटों से जीत दर्ज की। चुनाव में कांग्रेस से सुहाई सिंह गोदारा 66,148 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हैं। वहीं अगर विधानसभा उपचुनाव 2019 के नतीजों की बात करें तो लोकसभा में हनुमान बेनीवाल को जीत हासिल हुई नागौर लोकसभा सीट से। इस सीट पर उपचुनाव हुए खींवसर में बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव लड़ाया था। उन्होंने 78,000 वोट हासिल किए, 4,630 वोटों से जीत हासिल की। इस उपचुनाव कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा 73,605 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, क्योंकि यह जीत का बड़ा अंतर नहीं था, सिर्फ 4-5,000 का ही लीड थी। इन आंकड़ों को समझ में जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल ने इस बार इस सीट को दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया। अपनी जमीन कहीं खिसकने जाए, बेनीवाल इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। उन्होंने अपने भाई की जगह खुद को चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी ने इसके अलावा परबसर से लाचाराम ब्राड, कोलाई से रंगराम पवार जो पूर्व विधायक भी रहे कांग्रेस नेता, साड़ा से बद्रीलाल जाट, बायतू से उमेदाराम बेनीवाल जो पिछले विधानसभा 2018 में बेहतर प्रदर्शन किया था या दूसरे नंबर पर रहे, सरदार शेर से लालचंद मून, सांगानेर से महेश सैनी और साथ ही जोधपुर शहर से अजय त्रिवेदी को टिकट मिला। बेनीवाल ने 2018 का विधानसभा चुनाव खींवसर से जीता, लेकिन 2019 में नागौर लोकसभा सीट से चुनाव जीत के। उपचुनाव आरएलपी से नारायण बेनीवाल जीते। खींवसर से आरएलपी ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ गठबंधन की घोषणा की है। आज 29 अक्टूबर को पार्टी स्थापना दिवस है और जयपुर में बड़ी रैली भी है विद्यानगर स्टेडियम में। आप राजस्थान से हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।